अवैध गैनी है जो आपको आपका शोको से, आपका दरिद्रता से, आपका दर्द से पार कर रहा है, मतलब मुक्ति देता है। नमस्कार, आज जानेंगे अष्टावक्र महागीता के बारे में। ये जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फिलोसॉफी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है। इसे सिर्फ आपको जानना है, आपको सिर्फ सुनना है। इसको सुनने से आपका मन में जितना भी ज्यादा दुख है, दरिद्रता है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, बहुत जल्द ये नष्ट हो जाता है एक ही सेकंड में। मान लीजिए अगर आप गाड़ी का, जैसे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसका सिर्फ गियर, एक गियर से लेके दूसरे गियर को शिफ्ट करने के लिए जितना समय लगता है, उतना समय में आपका मन में जितना दुख है, दरिद्रता है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, सब नष्ट हो जाता है। ये इतना हाई लेवल का दार्शनिक किताब है। तो आइए जानते हैं अष्टावक्र गीता, महागीता के बारे में। हम सब लोगों का लाइफ, हम लोग जैसे चाहते हैं वैसे हिसाब से नहीं चलता है। आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता है कभी कभी। इससे आपका मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपको तरक्की ठीक से नहीं होता है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सपना देखते हैं, बहुत ज्यादा आपको पैसा कमाएंगे, आपका खुद का दरिद्रता हटाएंगे, आप बड़े आदमी बनेंगे, आप उसी हिसाब से आप कुछ पढ़ाई करके आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते, आपको लगता है कि 1 लाख इन्वेस्ट करने से आपको 2 लाख का फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी होता है आपका वो 1 लाख भी डूब जाता है। आप इधर उधर से कर्ज उठा कर और फिर से करने की कोशिश करते, वो भी डूब जाता है। तब आपका मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तब आप मन में डिप्रेशन आ जाते हैं, तब आप क्या करते हैं, कुछ लोग तो हिम्मत हार के सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारा लोग कोशिश करते हैं, कुछ साधु संतों के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मोटिवेशनल टॉक करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं आपका मन को पहले शांत करो, मन को शांत करो, मेडिटेशन करो, इससे आपका ब्रेन ठीक से काम करने लगेगा। तो आप क्या करते हैं, आप घर में जाते हैं या मंदिर में जाकर आपका मन में मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, मन का अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी झांकने की कोशिश करते, आप जब ध्यान करने की कोशिश करते, आपको ध्यान तो होता ही नहीं, आपके मन में बुरा बुरा ख्याल आता है, आपका डिप्रेशन आ जाता है, आपका जो भी खराब चीज है आ जाता है। क्योंकि आप जब आपका मन जो है, आपका मन में आप बचपन से एक विजुअलाइजेशन, एक छवि आप बना चुके हैं, आपको कुछ कुछ वीडियोग्राफी के जैसा, आपको मान लीजिए आपको पैसा कमाना है, खूबसूरत लड़की चाहिए शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए, खूबसूरत लड़का चाहिए प्यार करने के लिए, पैसा चाहिए, मेकअप चाहिए, समाज में आपका नाम चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा मजा चाहिए, ये सब कुछ आपको जीवन में चाहिए, ये हर एक का जीवन में चाहत है। तो ऐसे हिसाब से आपका मन भी वैसे हिसाब से एक वीडियोग्राफी, एक विजुअलाइजेशन बना लेता है, एक छवि बना लेता है कि आपका मन में वही चीज आपका ब्रेन में रहता है। तो आप जब मेडिटेशन करने की कोशिश करते, तब आपका मन में सिर्फ वो जो चीज को, वो जो आपका मन में जो वीडियोग्राफी है, जो आपका मन में जो एक इमेज है, वही इमेज को बार बार आता है। आप जो चीज देखे है, जो चीज सुने है, जो पैसे के बारे में, आप जब मेडिटेशन करने की कोशिश करते, वही चीज आपको स्लाइड शो के जैसा आते रहता है, तब आपका मन शांत नहीं होता है। कैसे होगा, आपका मन में अगर कुछ अच्छा चीज नहीं है, कुछ मोटिवेशनल नहीं है, तब 2 दिन का ध्यान करने से तो आपको नहीं होगा। तब आपको जीवन में एक चमत्कार चाहिए होता है, एक फिलोसफी का जरूरत पड़ता है, एक नॉलेज का जरूरत पड़ता है, जो आपका मन से वो फ्रस्ट्रेशन को, डिप्रेशन को हटा के आपका मन में शांति लाए। तो इसे कहते हैं अवैध ज्ञान। इसके लिए आपको अष्टावक्र महागीता का जानना चाहिए। अष्टावक्र महागीता का पहला श्लोक, आप ना पृथ्वी है, ना जल है, ना वायु है, ना अग्नि है, ना आकाश है, आप इन सबसे बड़े, अपने आप को इन सारे चीजों का साक्षी तथा अपने आप को आत्मा मानिए, अपने आप को चैतन्य स्वरूप मानिए। धर्म अधर्म ये आपसे छोटा है, आप इस सबसे बड़े, आप इन सब का साक्षी मानिए। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे, कंप्यूटर में गेम खेल रहे, मोबाइल में गेम खेल रहे, आप खेल रहे, आप गेम के अंदर पूरी तरीके से घुस चुके, आप उसके अंदर पूरे इन्वॉल्व हो चुके, आपको लगने लगा है कि जो गेम का दुनिया है, ये दुनिया ही आपका असली दुनिया है,
आप गेम तो खेलते रहते आप खाना पीना सब कुछ भूल के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आपका मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाता है या फिर आपका बिजली चला जाता है, आपका गेम अचानक से बंद हो जाता है, तब आपके पास वो जो दुनिया था, जो एक वर्चुअल जैसा दुनिया बना था, वो दुनिया क्या हो जाता है, टाटा बाय बाय बोल के निकल जाता है। वो जो दुनिया आप कंप्यूटर का दुनिया में आप थे उस समय आपको लग रहा था कि वही असली है, वही सच है, लेकिन उसे आप छू नहीं सकते, उसके अंदर उसको आप वो रियलाइज करते लेकिन उसको आपको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। वैसे ही है आपका आत्मा, ऐसे हिसाब से आप उसको कंपेयर कीजिए, आपका अपने आप को आत्मा के जगह पे रखिए। आप जो ये चीज देख रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में, जो भी चीज देख रहे हैं, वो चीज एक सपने जैसा, एक कंप्यूटर का गेम के जैसा है। वो जब आप बंद कर देते, बंद करके आप अपने आत्म तत्व के बारे में सोचते, आपका अपने आप के बारे में सोचते, तब आपका ये सारे जो जगत है ये इसका अस्तित्व नहीं रहता है, एक वर्चुअल की तरह रहता है। इसका मतलब है हम लोग जो है इंसान लोग खुद को भ्रमित करते हैं, खुद को अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं कि ये जो चीज़ है, अगर आपको अच्छा जॉब नहीं मिलता है तो आपका जीवन नरक है। आपको बचपन से आपको सिखाया जाता है कि ये नहीं करो, वो मत करो, ये करना ये अच्छा है, एक बुरा है। ये चीज़ जो बोलते हैं, अच्छा बुरा आपके मन में है, इसलिए आपका मन एक कॉन्जेस्टेड हो जाता है, आपका एक जगत बन जाता है, आपका माइंड जो है एक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अष्टावक्र महागीता से बोल रहे कि आप इस सारे बंधन को तोड़ दे, मैं अधिष्ठा हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही इस विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, इस सोच है इसको अपना के आपका जो मन में है कि हम नौकर है, चाकर है, ये करते वो करते, ये सारे बंधन को तोड़ दे, तोड़ के अपना आपका मन को शांत कर दे। मन में लालच है, मन में क्रोध है, मन में प्यार है, मन में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स मान लीजिए देश में कुछ अच्छा हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इसमें इंडिया जीत गया, तो आपका मन में बहुत खुशी आता है, इसे पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया, तब आपका मन में नेगेटिव थॉट्स आएगा, नेगेटिव वाइब्स आएगा, आप दुखी होते हैं, आप सोचते हैं क्यों ये नहीं जीता। ये दोनों कारण से, अगर आपको इंडिया का मैच इंडिया मैच जीता है तो आपको आनंद आता है, एक ही कारण से अगर इंडिया हारता है तब आपको दुखी होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। अष्टावक्र महागीता में बोल रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को छोड़ दे, छोड़ने का कारण स्वरूप आपका मन न्यूट्रल हो जाए। इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैच है उससे जितना भी परिणाम है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप समाज में हैं, आप पढ़ाई करते, आपको समाज में कोई लोग आपको बहुत सम्मान करते, बहुत रेस्पेक्ट करते, आपको प्यार करते, इससे आपका मन में खुशी पैदा होता है, आप बहुत खुश रहते। जब भी आपका वही लोग आपको कुछ भला बुरा कहते, आपको अपमान करते, तब आपका मन दुखों से भर जाता है। अष्टावक्र मुनि बोलते हैं कि ये जो लोग तेरे बारे में जो बोल रहे उसका वैल्यू मत दे, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर अच्छा बोलने से तेरे आनंद लगेगा तो बुरा बोलने से तुझे दर्द भी होगा। अगर तू दोनों चीज को एक ही साथ छोड़ देते हैं, दोनों अच्छा चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आपका माइंड पूरी तरीके से शांत रहेगा, आप खुद अपने आप को एक बहुत खुश निश्चित मानेंगे, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव नहीं है, आपका माइंड जो है अब ब्लैंक है, महाशून्य के जैसा हो गया। आपके मन में कोई कुछ भी बोल दे तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फालो खड़ा कंप्यूटर का जो नॉलेज है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे होता है ऑल कंट्रोल डिलीट, ऑल कंट्रोल डिलीट को एक साथ प्रेस करके आप अपना जो भी कुछ भी डेटा हो उसको डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब भी है आपको अपना माइंड में जो भी अच्छा बुरा फीलिंग्स है, जो खराब फीलिंग्स बुरा गुड फीलिंग्स दोनों को एक ही साथ डिलीट कर दे, तो डिलीट करने से आपके पास कुछ भी हो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब आपका मन में कोई उतल पुतल ही नहीं रहेगा तब अपना मन शांत हो जाएगा, आप हर एक चीज को एंजॉय तो कर लेंगे लेकिन आपको दुख नहीं मिलेगा। इसे अष्टावक्र महागीता कहते हैं, यह है फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।